बिहार सरकार के पीएचडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पद ग्रहण किया। वहीं विभाग में पद ग्रहण करने के बाद अधिकारियों को हिदायत दी कि विभाग को लेकर काफी भ्रांतियां हैं, लोगों में गड़बड़ी को लेकर गड़बड़ियों को 6 महीनों में सुधारने का निर्देश दिया है। ये डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि हर घर तक पानी स्वच्छ पहुंचाना है, गांव-गांव तक ये सड़क क्या कुछ करेगा। देखिए, ये डिपार्टमेंट काफ़ी हम समझते हैं कि आम जन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का नल का जल का जो योजना है, ये काफ़ी प्रभावकारी योजना रहा है। काफ़ी इस का चर्चा और काफ़ी फ़ायदा लोगों को मिल रहा है जल का, लेकिन जितना फ़ायदा होना चाहिए उतना फ़ायदा नहीं पहुंच पाया है। और काफ़ी मुझे लगता है कि कभी कभी चर्चा में भी ये विभाग रहा करता है। हमारा प्रयास होगा कि अब 6 महीने के अंदर डिपार्टमेंट के विवाद को ख़त्म करें, जो बदनामी हुई है कभी सारे बदनामी को ख़त्म करते हुए और लोगों को हर घर तक नल का शुद्ध जल पहुंच पाए, ये हमारा प्रथम प्रयास होगा। और इस प्रयास के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा निश्चित रूप से उठाएंगे, हर घर तक नल जल को पहुंचाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है उसे पूरा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसे पूरा करेंगे। गड़बड़ी की भी बात इस डिपार्टमेंट को लेकर है, क्या वैसे लोगों पर भी कार्रवाई का डंडा चलेगा? देखिए, निश्चित रूप से हम पिछले 18-19 साल से विधानसभा के सदस्य हैं और 18-19 साल में जब भी विधानसभा में हम बैठते हैं क्वेश्चन आवर आता है तो कभी विरोधी सवाल उठाया करते हैं कि भाई नल जल में पानी में पीएचडी में गड़बड़ी है। तो इतना ज़्यादा गड़बड़ी हो जाता था कि मुझे लगता है कि पक्ष विपक्ष दोनों मिल के हल्ला करते थे और कभी हम लोग भी पक्ष में भी रह के विपक्ष में भी रह करके इस डिपार्टमेंट पर हल्ला किए। आज बड़ी जिम्मेवारी के रूप में हम इसे देख रहे हैं और हम उस 15-20 सालों को भी देख रहे हैं कि इसमें इतना हंगामा हुआ करता था। हमारा प्रयास रहेगा कि हंगामा खत्म हो और काम सही से हो।